so dear kids now we are going to do book exercise it's practice time 1 fill in the blanks using the verbs given in the help box one help box is there some words are written here swim play fly study buy वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन दीज ब्लैंक्स इन वर्ड्स को हमने क्या करना है इन ब्लैंक्स में यूज करना है सो लेट स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस इज एरोप्लेन्स डैश इन द स्काई एरोप्लेंस क्या करते हैं स्काई में फ्लाई करते हैं सो आई विल राइट हीयर फ्लाई एरोप्लेंस फ्लाई इन द स्काई एरोप्लेन इज नॉट अ सिंगुलर नाउन एरोप्लेन क्या है यहाँ पे मोर देन वन है एरोप्लेन्स आर प्लूरल नाउन ठीक है एरोप्लेन्स क्या है प्लूरल है तो वी विल राइट ओनली फ्लाई एज इट इज हम क्या करेंगे वर्ब को यहाँ पे राइट कर देंगे एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स डैश इन दूल माई फ्रेंड्स पुल में क्या कर रहे हैं पूल में क्या होता है स्विमिंग ठीक है माई फ्रेंड्स प्लुरल नाउन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्विम स्विम एस डब्ल्यू आई एम माई फ्रेंड्स स्विम इन द पूल नंबर थ्री इज वी डैश इन द पार्क पार्क में क्या करने जाते हैं हम प्ले करने जाते हैं ठीक है वी प्ले इन द पार्क पार्क में हम क्या करते हैं खेलते हैं नंबर फोर इज चिल्ड्रन डैश इन द क्लास चिल्ड्रन क्लास में क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं ठीक है क्लास में स्टडी करते हैं सो वी विल राइट हियर चिल्ड्रन स्टडी इन द क्लास नंबर फाइव इज वी डैश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट मार्केट से वेजिटेबल को क्या किया जाता है बाय परचेज किया जाता है ठीक है वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट सो दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स दिज ऑल आर डूइंग वर्ड्स दीज ऑल आर वर्ब्स ठीक है इनको हम वर्ब्स भी बोल सकते हैं इनको हम एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं और इनको हम डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं नाउ लेट्स लर्न द यूज ऑफ वर्ब्स इन प्रेजेंट टाइम ठीक है अब हम क्या है प्रेजेंट टाइम की क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस टाइम टू टिक द करेक्ट वर्ब्स इन देंटेंसेस इन सेंटेंसीज में हमें क्या करना है करेक्ट वर्ब को राइट right वर्ब को टिक करना है नंबर वन इज द सन शाइन और शाइन्स ब्राइटली मैंने आपको बताया था कि जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस क्या करेंगे ऐड करेंगे जब प्लूरल नाउन होगा तो उसको वर्ब को एज इट इज़ हम राइट कर देंगे द सन सन इज ओनली वन सन क्या है वन है सिंगुलर नाउन है तो हम क्या करेंगे शाइन राइट right नहीं करेंगे द करेक्ट वर्ब इज़ शाइन्स एस एड होगा तो ये है हमारा करेक्ट वर्ब तो हम यहाँ क्या करेंगे टिक करेंगे नंबर टू इज मधु सिंग्स और सिंग अ सॉन्ग मधु इज ओनली वन गर्ल मधु क्या है ओनली सिंगुलर नाउन है वन गर्ल का नेम है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब के साथ एस एड करते हैं सो करेक्ट वर्ड कौन सा है हमारा सिंग्स मधु सिंग्स अ सॉन्ग सो वी विल टिक टिकर ओनली नंबर थ्री इज द स्टार्स ट्विंकल और ट्विंकल्स इन द स्काई स्टार्स स्टार्स आर हेयर प्लूरल नाउस एस यूज हो गया है ये मोर देन वन है स्टार्स बहुत सारे हैं तो हम क्या करेंगे वर्ब को एज इट इज राइट करेंगे उसके साथ S या एस या यास एड नहीं होगा द स्टार्स ट्विंकल द राइट वर्ड इज करेक्ट वर्ब इज ट्विंकल द बॉय डज और डू हिज होमवर्क डेली द बॉय ओनली वन बॉय इज हेयर सिर्फ एक बॉय की बात कर रहे हैं हम तो ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस या यहाँ पे डज ई एस एड हुआ है तो द करेक्ट वर्ब इज डज, बॉय डज हिज होमवर्क डेली नेक्स्ट इज द काउ गिव और गिव्स अस मिल्क यहाँ पे भी क्या है सिंगुलर नाउन है वन काओ की बात हो रही है सो वी विल यूज एस और विद द वर्ब वर्ब के साथ हम क्या करेंगे एस या ई एस यूज करेंगे सो द करेक्ट वर्ब इज द गिव्स अस ठीक है गिव्स अस मिल्क द सन शाइन्स ब्राइटली मधु सिंग्स अ सॉन्ग द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई द बॉय डज His homework daily, the cow gives us milk. Now, practice time three fill in the blanks with the पास टाइम फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अब हम क्या करेंगे इनको पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे आपको बताया है कि पास्ट टाइम कौन सा है जब हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो चुका है कोई वर्क हो चुका है तो हम क्या करते हैं वर्ब के साथ क्या करते हैं हम ई डी यूज कर माई ब्रदर डेंस वेल एट द पार्टी क्या करेंगे हम डांस के साथ ई डी यूज कर देंगे माई ब्रदर डांसड वेल एट पार्टी डांस के साथ हम ईडी सेकेंड फॉर्म क्या है वर्ब की यूज करेंगे नंबर टू इज आई डैश टू द प्रिंसिपल यस्टरडे टॉक को हमने पास्ट में यूज करना है तो हम क्या करेंगे टॉक के साथ ईडी यूज कर देंगे आई टॉक्ड टू द प्रिंसिपल ये नंबर थ्री इज दे डैश मी दे आर न्यू कंप्यूटर वर्ड इज शो ठीक है वर्ड क्या है यहां पर शो शो के साथ हम क्या करेंगे ईडी यूज कर देंगे शोड एस एच ओ डब्ल्यू ईडी फास्ट फॉर्म मैंने यूज कर दी है दे शोड मी देयर न्यू कंप्यूटर्स नेक्स्ट इज माई फ्रेंड डैश फॉर यू यस्टरडे माई फ्रेंड वेटेड वेट के साथ मैं क्या करूँगी ईडी हम यूज़ कर देंगे इसको पास्ट फॉर्म में यूज़ कर देंगे माय फ्रेंड वेटेड फॉर यू येस्टरडे मेरे फ्रेंड ने क्या किया येस्टरडे हमारी वेट की नंबर फाइव इज़ मिस्टर गुप्ता डैश द पुअर हेल्प वर्ड इज़ हेल्प तो यहाँ पे क्या करेंगे हेल्प्ड ईडी मिस्टर गुप्ता हेल्प द पुअर सो फर्स्ट इज़ माई ब्रदर डांसड वेल एट दार्टी मेरे ब्रदर ने क्या किया पार्टी में बहुत अच्छा डांस किया हो चुका है आई टॉक्ट टू द प्रिंसिपल यस्टरडे कल मैंने प्रिंसिपल से बात की पास्ट में है ये दे शोड मी देयर न्यू कंप्यूटर्स उन्होंने मुझे अपने न्यू कंप्यूटर्स दिखाए माई फ्रेंड वेटेड फॉर यू येस्टरडे कल मेरी फ्रेंड ने तुम्हारी वेट की मिस्टर गुप्ता हेल्प द पुअर मिस्टर गुप्ता ने पुअर पीपल की क्या की हेल्प सो दी सेंटेंसेस टेल अबाउट द पास्ट सो डियर किड्स नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस टाइम वन प्रैक्टिस टाइम टू एंड प्रैक्टिस टाइम थ्री इन बुक एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इन योर नोटबुक